आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी समेत कई शहरों में गणगौर का पर्व मनाया गया। आखिर क्या है गणगौर का ये पर्व और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? आइए देखते हैं। गणगौर प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का एक पावन पर्व है जिसे हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर पर्व है जिसमें गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। गणगौर राजस्थान का मुख्य पर्व माना जाता है और मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में भी कहीं कहीं आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन गणगौर की पूजा की जाती है। लड़कियां एवं महिलाएं शंकर जी एवं पार्वती जी की पूजा करती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पुरोहित परिवार की महिलाओं ने गणगौर पर्व बड़ी आस्था के साथ मनाया। हरियाणा गौर ब्राह्मण समाज की पुरोहित परिवार की बहू हूँ और हम आज गणगौर उद्यापन का व्रत कर रहे हैं। हम सारी बहुएं मिलके एक साथ ये व्रत उद्यापन कर रही हैं। इस व्रत का महत्व ये, हम सभी मिलके 16-16 गौरणियों को बुलाते हैं, सुहागनों को बुलाते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। शिव पार्वती यानी गणगौर यानी शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये हमारा आज गणगौर का उद्यापन है। इसमें हम बहुत सारी सामग्री यूज में लेते हैं जिसमें 16 बार टीकी होती है, जैसे लग सिंदूर हो गया, काजल हो गया, हल्दी होगी, इनकी 16 बार टीकी करके इसकी हम पूजा दरु से करते हैं। ये शिव जी और पार्वती जी का व्रत होता है जो ये नहीं, आजकल ये सीरियल्स में भी बहुत फेमस हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और बाकी सारे जो मारवाड़ी सीरियल्स हैं उसमें भी आपको ये सब व्रत देखने को मिलेंगे। ये नाच गाने का बहुत रहता है, इसमें हम बरगोड़ा निकालते हैं। पुरोहित परिवार की बहुएं उद्यापन गणगौर का उद्यापन कर रही है। ये व्रत बेसिकली जो कंवारी लड़कियाँ होती है वो करती है अच्छा पति पाने के लिए और जो सुहागनें होती है वो करती है अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए। माता पार्वती ने यह गणगौर का व्रत शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था और आज के दिन ही शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया था कि मैं आपको अपने पति रूप में मिलूंगा। इसीलिए माता पार्वती ने यह वरदान दिया कि जो भी कुंवारी कन्या आज के दिन व्रत रखेगी, पूजा करेगी, उन्हें भी अपना मन चाहा वर मिलेगा। इसी प्रकार सुहागन स्त्रियाँ यह व्रत करती हैं तो उनके पति की आयुष लंबी होती है, उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हम उज्जैन में रहते हैं, बाकी परिवार हमारा यहाँ रहता है। हम यहाँ पर आज सब मिलकर गणगौर का उद्यापन करने आए हैं। गणगौर, जैसा कि बताया गया है कि गणगौर शंकर और पार्वती जी का एक त्यौहार है जिसमें माता पार्वती ने शंकर भगवान को पाने के लिए व्रत किया था। इसलिए यह धारणा है कि जो भी लड़कियाँ हैं ब्राह्मण समाज के और अदर समाज की, वो गणगौर अच्छा पति पाने के लिए गणगौर का त्यौहार करती हैं, गणगौर का व्रत करती हैं और उसके बाद में जब शादी हो जाती है तब पहली गणगौर से 16 दिन तक का गणगौर का पूजा की जाती है। उसके लिए हम अपने घर में गणगौर को बिठाते हैं और 16 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन का यह महत्व है कि हम सुबह जब अपनी गणगौर लेके आते हैं और उसके बाद में सारे लोग मिलके गणगौर की पूजा करते हैं, शाम के टाइम पे हम उन गणगौर को बिल्कुल गाजे बाजे के साथ विसर्जित करते हैं। आस्था और भक्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 16 श्रृंगार से सजी महिलाएं भक्ति गीतों पर झूम उठी। I'm sorry.
तो दूसरी ओर अहमदाबाद के आदिनाथ नगर में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने भी गणगौर पर्व धामधूम से मनाया। शंकर भगवान पार्वती जी कैलाश पर्वत यात्रा पर जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में उनका एक व्रत पड़ा था, त्रिज का व्रत पड़ा था, तो वो बोले पार्वती जी शंकर भगवान मैं तो अपने त्रिज का व्रत करूँगी तो आप जाओ यहाँ से। तो इस व्रत में औरत पूजा करती हैं, आप जेंट्स लोग नहीं रहते। तो शंकर भगवान चले गए तो पार्वती जी ने वहाँ स्त्रियाँ पानी भरने आई थी घाट पर, तो पार्वती जी ने उनके साथ सूल श्रृंगार करके व्रत का उद्घाटन किया। तो जो अब जो ने सिंगार पहन रखा था उसमें से कंकु के छींटे सब स्त्रियों के ऊपर डाले, जो जिसके ऊपर जैसा वो छींटा पड़ा उसको ऐसा ही वर मिला था। तो जब इस तरह से शंकर भगवान पार्वती जी का व्रत पूरा हुआ। ये विवाहित महिलाएं करती है तो उनके पति की लंबी आयु के लिए ये करती है और ये बहुत धामधूम से होता है ये व्रत। और ये है ना ज़्यादातर राजस्थान और यूपी और एमपी में होता है, गुजरात में ज़्यादातर जानते नहीं है, तो इन लोगों को पता नहीं है कि गणगौर का त्यौहार क्या है। गणगौर का त्यौहार है होली के बाद इसको मनाया जाता है, होली के बाद तीज के दिन मनाया जाता है और ये पवित्र बहुत पवित्र त्यौहार है। इनमें इसके लिए सारी महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए सोलह श्रृंगार करती है और अपने पति की लंबी आयु इसके लिए उपवास किया जाता है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये 16 दिन से भी इनकी पूजा की जाती है और ये बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत आनंद आता है सबको। बहुतों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर में गणगौर क्यों मनाया जाता है, गणगौर पर्व के पीछे क्या मान्यता है। तो इस दिन कुवारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती है तो उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है और शादीशुदा महिलाएं यदि गणगौर पूजा करती है और व्रत रखती है तो उन्हें पति प्रेम मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किया। फलस्वरूप माता पार्वती की इस तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती के सामने शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से वरदान मांगने का अनुरोध किया। वरदान में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को ही वर के रूप में पाने की अभिलाषा की। माता पार्वती की इच्छा पूरी हुई और माँ पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। मान्यता है कि भगवान शंकर जी ने इस दिन माँ पार्वती जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माँ पार्वती ने यही वरदान उन सभी महिलाओं को दिया जो इस दिन माँ पार्वती और शंकर जी की पूजा के साथ में विधि विधान से करते हैं और व्रत रखते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतधारी महिलाएं घर के पवित्र स्थान में लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोती है और इन जवारों को ही गौरी यानी माँ पार्वती और ईश्वर यानी भगवान शंकर का रूप माना जाता है। गणगौर का व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ रात में एक समय का भोजन करती है। जवारों का विसर्जन होने तक प्रतिदिन दोनों समय गणगौर की पूजा करने के बाद भोग लगाया जाता है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित स्त्रियां ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर प्रस्थापित करती है। गणगौर की स्थापना में सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं एवं सुहाग की सामग्री का पूजन कर ये वस्तुएं गौरी जी को अर्पित की जाती है। इसके बाद गौरी जी को भोग लगाया जाता है, फिर गौरी जी की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद शादीशुदा महिलाएं चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरती है। गणगौर की पूजा में गीत गाते हुए महिलाएं काजल रोली और मेहंदी से 16-16 बिंदी लगाती है। गणगौर में चढ़ाए जाने वाले फल और सुहाग के सामान की संख्या भी 16-16 रहती है। महिलाएं भी इस दिन 16 श्रृंगार में सज के आती है। गणगौर पर्व में पूजा के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। गणगौर पर्व में गाए जाने वाले लोकगीतों को इस पर्व की जान कहते हैं। लोकगीतों के बगैर यह पर्व अधूरा है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता है। गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में उनका विसर्जन किया जाता है।
गौरतलब है कि होली के बाद से शुरू होने वाला यह पर्व चैत्र पक्ष की गणगौर तीज पर खत्म होता है। महिलाएं और युवतियां 16 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः गणगौर माता की पूजा अर्चना करती है। इस तरह 16 दिनों पर गणगौर पूजा अर्चना के साथ गौरी तीज पर गणगौर पर्व का समापन होता है। पंकज शर्मा, न्यूज 18, अहमदाबाद।